नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ से संबंधित जो छात्रों के द्वारा डाउट पूछा गया। आखिर ये डाउट कौन से हैं? ये डाउट वो है जिसे मोबाइल कोर्स परचेज करने वाले छात्रों ने पूछा है। तो ये मोबाइल कोर्स प्रोग्राम क्या था? तो मोबाइल कोर्स प्रोग्राम हमने दिसंबर 2019 पे लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमने 200 आवर्स यानी कि 200 से अधिक घंटों के सारे सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था। समय बीतता गया और छात्रों की क्यूरीज आती गई कि उनके कुछ डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। तो ये डाउट्स को क्लियर करने के मद्देनज़र ही हमने यह डाउट सेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत आपने सबसे पहले पॉलिटी निकहत मैम के द्वारा, दूसरा इंडियन इकोनॉमी आकाश सर के द्वारा और इंडियन हिस्ट्री निकहत मैम के द्वारा देखा है। आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जो डाउट्स आए हुए हैं उसे आप मेरे द्वारा यानी कि सत्येंद्र सिंह के द्वारा आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट से संबंधित ऐसे कुछ डाउट्स बच्चों के द्वारा पूछा गया जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेद घाट क्या है? दोस्तों हेद घाट जो है, हेद घाट मुख्य रूप से जसपुर सामरी पार्ट, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, सेकंड इज जसपुर सामरी पार्ट, थर्ड इज महानदी बेसिन एंड फोर्थ इज दंडकारण्य कपठार। तो उसी में जो जसपुर सामरी पार्ट है, अगर मैं जसपुर सामरी पार्ट को अध्ययन की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू द स्टडी मैं इसे भागों में बांटूं तो इसे मैं 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला जो भाग होगा उसे मैं बोलूंगा ऊपर घाट, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है अपर घाट। दूसरा बात करते हैं जिसे बोला जाता है मैन पार्ट, और तीसरा हम बोलते हैं क्या, हेद घाट। और इसी हेद घाट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसलिए आपको यह कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो पहला हम यहां पर देखते हैं हेद घाट का नाम हेद घाट, दूसरा हम देखेंगे इसी का एक अन्य नाम जिसे हम बोलते हैं निम्न घाट या इसे नीच घाट बोला जाता है, और आपकी सभी की किताबों में जो सबसे प्रमुख नाम आपको देखने को मिलता है वह है आपका जसपुर पाट प्रदेश। ठीक, तो इस तरह से हेद घाट के अन्य नाम हेद घाट, निम्न घाट और जसपुर पाट, यानी कि जो जसपुर पाट हम जो पढ़ते हैं, यानी कि वो जो 6 पाट हैं लाइक मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, पंडरा पाट के साथ ही साथ हम जो जसपुर पाट पढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेद घाट कहते हैं। मैं से भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेद घाट पर चर्चा करें। अब जरा देखते हैं इसे 3D मॉडल के साथ कि ये कैसा है। तो ध्यान देंगे, अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये आपके जसपुर सामरी पार्ट का एक ओवरऑल डायग्राम है। ये वाला जो भाग है इसे मैं पंडरा पार्ट ले लेता हूं, ठीक, और ये जो नीचे वाला भाग है दैट इज कॉल्ड हेद घाट या दिस इज जसपुर पार्ट। अकॉर्डिंग टू द एरिया इफ यू इंक्लूड ऑल द पार्ट प्रदेश, तो अकॉर्डिंग टू द एरिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? इसी जसपुर पाट, निम्न घाट या हेद घाट का। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस पंडरा पाट से एक नदी बहती है जिसे हम ईब नदी कहते हैं, और ईब नदी की एक सहायक नदी है जिसे मैं क्या कहूँगा, मैनी रिवर, यानी कि इसी हेद घाट पर मुझे ईब मैनी घाटी की भी प्राप्ति होती है, और वह जो क्षेत्र है उसे मैं काकिया क्षेत्र कहता हूँ। यानी कि ईब मैनी घाटी प्रमुख घाटी है किसकी, हेत घाट की। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो इस प्रमुख हेत घाट से ही नेशनल हाईवे NH 43 गुजरता
है जो कि प्रमुख रूप से जसपुर जिले पे है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने हेदघाट पर चर्चा किया। अगर जसपुर सामरी पाट की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रमुख रूप से तीन जिलों पे फैला हुआ है। पहला है आपका सरगुजा, दूसरा है आपका बलरामपुर और तीसरा है आपका जसपुर जिला। ठीक, पहला आपका कौन सा जिला? सरगुजा, दूसरा आपका बलरामपुर और तीसरा है आपका जसपुर जिला। और इसी जसपुर जिले पे ही ये कौन सा घाट है? हेद घाट। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जसपुर पार्ट को डिवाइड किया। फिजिकली या प्राकृतिक रूप से हमने अपर घाट, मैन पार्ट एंड हेद घाट में डिवाइड किया और हेद घाट को ही हमने यहाँ पर निम्न घाट और क्या कहा? जसपुर पार्ट प्रदेश कहा। तो आशा करता हूँ यह डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतावागु और चीतावागु रिवर पर, यह क्वेश्चन राइज किया हुआ था वंदना राजपूत जी ने। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं यह चिंतावागु और चीतावागु रिवर के बीच मांझला क्या है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो हमको सबसे पहले देखना होगा गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम है ये प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। आपको अधिकतर किताबों में ये अलग अलग डेटा मिलता होगा, लेकिन यह जो रिसोर्स या स्रोत मैं ले रहा हूँ वह लाला जगदलपुरी की यात्रा वृत्तांत पर आधारित है और उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों पर आधारित है। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में से एक आएगा इंद्रावती रिवर जो जाके यहाँ पर गोदावरी पे मिलेगी, दूसरा याद रखेंगे आप सबरी रिवर और तीसरा आप याद रखेंगे तालपेरू रिवर। याद रखेंगे तालपेरू को रामायण में तालपियर भी कहा गया है एवं इसे मुरेलू रिवर भी कहा जाता है। हम एक मैप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, शायद आपको पता होगा ये मैप कौन सा पार्ट का है। ये है आपका बीजापुर, ये है आपका दंतेवाड़ा, ये जगदलपुर और ये है आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से आती है गोदावरी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यानी कि बीजापुर के साथ ये बॉर्डर बनाते हुए यह पुनः कहाँ चली जाती है? तेलंगाना की तरफ। अब बात यहाँ पर आती है, हम डिस्कस करेंगे तालपेरू पे। चेक, तो तालपेरू यहाँ बैलाडीला की पहाड़ी से निकलेगी और बैलाडीला की पहाड़ी से निकलने के पश्चात अर्थात केवल और केवल दंतेवाड़ा के बाद यह बीजापुर जिले आती है और बीजापुर जिले के पश्चात यह जाकर पाठशाला नामक जगह पर तेलंगाना में मिल जाती है। तो ये मैंने क्या बोला, तालपेरू या तालपियर का यह है प्रवाह क्षेत्र। अगर मैं प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो वह होगा दंतेवाड़ा और बीजापुर। अब बात करते हैं यहां पर है आपका पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक, और यहाँ पर आपको याद रखेंगे कि यहाँ सुकमा से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं चीता नदी। चीता नदी या इसे चिंतलनार रिवर कहा जाता है, नॉट चिंतावागु। तो इसे चीता नदी या चीतावागु या चिंतलनार रिवर या चिंतलनार नदी कहा जाता है जो कि सुकमा जिले से बहते हुए पामेड़ में प्रवेश करती है और पामेड़ के पश्चात यह बीजापुर में ही तालपेरू से मिल जाती है और यह तालपेरू नदी इस चीता नदी के पानी को ले जाकर कहाँ गिरा देता है? कहाँ पे? आपके गोदावरी रिवर पर जो कि तेलंगाना पर इसका विसर्जन स्थल यानी कि मिड पॉइंट है। तो ये हो गया आपका चीता रिवर के बारे में। अगर क्वेश्चन आए कि चीता रिवर या चिंतावागु दोनों में से कौन पामेड़ अभ्यारण्य से होकर गुजरता है तो वह होगा आपका कौन सा? चीता रिवर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चिंतावागु की। तो याद रखिएगा एक इंद्रावती नदी ऐसी आती है और इंद्रावती नदी पर जाकर मिल जाती है कौन सी रिवर? यह है आपकी चिंतावागु। और ये चिंतावागु जो रिवर है यह कुटरू बीजापुर हाईलैंड से निकलती है। ध्यान रखेंगे जब आप पूरे दंडकारण्य के पठार को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप दक्षिण के पठार पर भी स्टडी करते हैं यानी कि सदर्न प्लेट्यू दैट इज द पार्ट ऑफ दंडकारण्य प्लेट्यू और उस साउथ प्लेट्यू या दक्षिण के पठार का एक पार्ट होता है आपका कुटरू बीजापुर का पठार। ठीक, और दूसरा पार्ट होता है बैलाडीला की पहाड़ी। तो इसी कुटरू बीजापुर के पठार से निकलती है कौन सी नदी? आपकी चिंतावागु जो कि इंद्रावती की सहायक है। तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ कि चिंतावागु किसकी सहायक होगी? वह इंद्रावती की। और चीतावागु किसकी सहायक होगी? वह होगी तालपेरू की। तो आशा करता हूँ आपका यह डाउट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सक्षम शर्मा ने पूछा कि चैत्रेयी दशहरा क्या है। तो बात ऐसी है कि चैत्रेयी दशहरा को जानने के पहले हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि बस्तर
यानी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में जिस प्रकार से होली दो बार एवं दीपावली को दो बार सेलिब्रेट या मनाया जाता है, उसी प्रकार से दशहरे का पर्व भी, किसका, दशहरे का पर्व भी वर्ष में दो बार मनाया जाता है। पहला जो होगा वह होगा चैत्रई दशहरा और दूसरा आप सभी को पता है जो कि 75 दिनों का एक दशहरा होता है। अब ये जो चैत्रई दशहरा है जिसे 15 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाएगा, पहला इसकी शुरुआत में आपको बता देता हूं जो कि होता है चैत्र शुक्ल और खत्म होता है यह कब, उसी माह की पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, तो कुल 15 दिनों तक यह क्या होगा, चैत्रई दशहरा बस्तर के आदिवासी अंचल में मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि ये 75 दिनों का जो दशहरा होता है इसकी शुरुआत कब होती है, हरेली अमावस्या पे। तो पहली बात तो आप इसको याद रखें कि यह भी एक दशहरा है, वो भी एक दशहरा है। चैत्रई दशहरा को बोला जाता है छोटा दशहरा और इसे कहा जाता है बड़ा दशहरा। ठीक, अब चैत्रई दशहरे में भी रथ भ्रमण होगा। क्या होगा, रथ भ्रमण। तो ये रथ भ्रमण के कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं यहाँ पर तीन प्रकार के रथ भ्रमण की बात करता हूँ, शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखें। पहला रथ भ्रमण आपको देखने को मिलेगा चैत्रई में, दूसरा रथ भ्रमण आपको देखने को मिलेगा गोंचा में, और तीसरा रथ भ्रमण मिलेगा आपको बड़ा दशहरा यानी कि 75 दिनों में। तो जो चैत्रई होता है इसमें जो रथ भ्रमण होता है इसमें विराजमान होते हैं राम लक्ष्मण एवं सीता जी। ठीक, यहाँ पर इनकी प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। गोंचा पर्व, गोंचा पर्व में आप सभी को पता है जगन्नाथ देव एवं सुभद्रा की प्रतिमा को या उनकी लकड़ी से बनी प्रतिमा को यहाँ पर क्या किया जाता है, विराजमान किया जाता है। और ये जो बड़ा दशहरा है यहाँ पे मावली माता, ठीक, मावली माता की पूजा की जाती है, यानी एक तरीके से यहाँ पे दंतेश्वरी देवी के प्रतिरूप की ही क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस प्रकार तीनों पे, चैत्रई, गोंचा, बड़ा, तीनों में रथ भ्रमण, लेकिन जो देवी और देवता होंगे उनका जो विराजमान होता है, उनकी प्रतिमा जो स्थापित की जाती है वह अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से ये चीजें यहां पर आपको क्लियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपके शिवम शर्मा ने, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था वह सीएम शर्मा ने यह पूछा था कि महाला प्रथा क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा था, महाला प्रथा क्या है। इस महाला प्रथा के अंतर्गत यह होता है कि हलवा समाज में, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि हलवा समाज में यह महाला प्रथा आज भी प्रचलित है, और इस प्रथा के अंतर्गत विवाह योग्य कन्या के घर, किसके घर, विवाह योग्य कन्या के घर वर का पिता, विवाह योग्य कन्या के घर वर का पिता अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मंगनी लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है, मंगनी लेकर जाता है, वर्तमान जो कल्चर है उसमें इसे मंगनी कहते हैं, लेकिन हलवा समाज में इसे महाला ले जाना कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि महाला क्या है, तो महाला एक तरीके से विवाह योग्य कन्या के घर वर पक्ष या वर के पिता के द्वारा साथ में कुछ सगे संबंधियों के साथ मंगनी ले जाना ही महाला है। साथ में ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ शराब, मुर्गा एवं चावल ले जाना अनिवार्य है, तब जाकर यह महाला जो प्रथा होती है वह पूर्ण होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने महाला प्रथा देखा जो कि हलवा समाज में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के घर में जाना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वह सूरज भारद्वाज ने पूछा था। सूरज भारद्वाज ने जो क्वेश्चन पूछा था वह उन्होंने धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन के बारे में पूछा। तो याद रखेंगे धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन जो हुए वे दो हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है 1918 का धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन जो कि पहला था। दूसरा हमें दिखता है 1919 का धमतरी राजनीतिक सम्मेलन जो कि दूसरा राजनीतिक सम्मेलन था। अगर कभी पूछे कि पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ तो याद रखेंगे मई 1918, जो कि अगर डेट भी अगर पूछे तो आप लिखेंगे कि 4 मई 1918 को धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन की पहली बैठक होती है, और धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 यानी कि मई 1919 को होती है।
इसके अध्यक्ष जो चुने गए वह चुने गए माधव राव सप्रे जी, यानी कि पहले धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन के, और दूसरे धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन के जो अध्यक्ष चुने गए वह चुने गए दादा साहब खापर्डे, जो कि मध्य प्रांत के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध राजनेता उस वक्त के थे। अब यहाँ पर 1918 में जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था यहाँ पर, पहला कि ब्रिटेन को युद्ध में क्या करना, सहायता करना, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा की मांग करना, और तीसरा यहाँ पर था दोस्तों क्या, स्वराज की मांग करना। तो याद रखेंगे पहले धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन का उद्देश्य जो था ब्रिटेन को युद्ध में सहायता, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की क्या करना, मांग करना। लेकिन कहीं ना कहीं जब 1919 में क्या होता है, जब तहसील सम्मेलन होता है, तो यह मामला चेंज हो चुका था। मामला चेंज इसलिए हो चुका था क्योंकि आप सभी को पता है कि 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट आया था, दूसरा आपको पता है जलियांवाला बाग। तो इतिहास के पन्नों में ये दो अभूतपूर्व घटनाएं इस तरह से दर्ज हुई कि धमतरी तहसील राजनीतिक सम्मेलन जो कि दूसरा था उसमें अंग्रेजों का विरोध किया गया, और साथ ही साथ रोलेक्ट एक्ट का विरोध और जलियांवाला बाग का भी विरोध किया गया। यानी कि दोनों के उद्देश्य अलग हैं, दोनों के अध्यक्ष अलग हैं, दोनों के डेट्स अलग हैं। इस तरह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको कि 1918 में पहला धमतरी तहसील और दूसरा 1919 में होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था जिसे कि प्रांजल कश्यप ने पूछा था, वह क्वेश्चन छोटा सा है। उन्होंने पूछा था कि ईदाखार और पकरिया नामक जंगल सत्याग्रह कहाँ हुए। तो याद रखेंगे कि ईदाखार जो आज वर्तमान में यह है बिलासपुर जिले पे, और पकरिया नामक जो स्थान है जो कि जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1930 वाले जंगल सत्याग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो पूरे तमोरा जंगल सत्याग्रह, रुद्रदीन नवागांव जंगल सत्याग्रह, उसी क्रम में एक जंगल सत्याग्रह है ईदाखार जो कि बिलासपुर में, और पकरिया जो आज वर्तमान में है जांजगीर चांपा जिले पे। तो दोनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रहों में से एक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमने छात्रों के द्वारा जो पूछा गया था उस पर हमने चर्चा किया, और आशा करता हूं कि आप और भी क्वेश्चन वहां पर राइज करेंगे, और वो डाउट सेशन जो हमारा यह प्रोग्राम है इस पर भी हम सारे फैकल्टीज के द्वारा आपको चीज़ें बार बार इस तरह से शॉर्ट वीडियो बना के आपको पेश करते रहेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मोबाइल कोर्स है, मोबाइल कोर्स में ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दी गई हैं, जिसे आप प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।